नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एनटीपीसी रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। रेलवे ने आज तक जितने मैथ्स में एचसीएफ और एलसीएम, आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की ये पहली क्लास चलने जा रही है, जिसमें हम आज एलसीएम और एचसीएफ की एक नई सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम आज पढ़ेंगे। जितने भी रेलवे ने पूछे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में जितने अभी पीछे पीछे जो हुआ था 2018 में एग्जाम ग्रुप डी का, काफी क्वेश्चन वहां से, दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में ग्रुप एचसीएफ और एलसीएम से पूछे ही गए थे। तो रेलवे एनटीपीसी में तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आज से एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, जिसे लासा और मासा कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ को लासा बोलते हैं और एचसीएफ को मासा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ, एचसीएफ को हम लोग बोलेंगे मासा, महत्तम समापवर्त तक, ठीक है, मासा पा बोलते हैं, ठीक है, मासा पा, वैसे राउट में बोले मासा। अब एलसीएम को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। चलिए ये तो होगी हिंदी और इंग्लिश की बात, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ ऐसे नहीं आता ना, यहाँ पे तो ये पूछा जाता है कि लासा निकालिए और मासा निकालिए। अब हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि लासा कैसे निकालते हैं, मासा वो भी ट्रिक से, शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, ठीक है। लॉन्ग तरीका तो सबको पता है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। इस एचसीएफ का फुल फॉर्म अगर पूरा देखें तो इसका मतलब होता है हाइएस्ट, ठीक है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं लेकिन इसी में आपका शॉर्ट ट्रिक छुपी हुई है। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। अब यहां पे मतलब क्या है, इस फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड, और इसका मतलब होता है गुणज, जिसे हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देते हैं, इसका मतलब होता है गुणज, ठीक है। तो गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क है आखिर, इसमें हम एचसीएफ फैक्टर निकालते हैं, इसमें मल्टीपल निकालते हैं, तो मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिएगा दोनों में फर्क समझिएगा, पहले हम 18 लिखते हैं यहां पे, ये है 18 के फैक्टर निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं फैक्टर्स, क्या क्या होंगे इसके फैक्टर्स गुणज। तो देखिएगा मल्टीपल क्या क्या होते हैं, फैक्टर क्या क्या होंगे, पहला फैक्टर के कह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम फैक्टर या किस किस से डिवाइड हो सकता है, वन से इसको डिवाइड करें डिवाइड हो जाएगा, टू से करें हो जाएगा, थ्री से करें हो जाएगा डिवाइड, फोर से नहीं होगा, फाइव से नहीं होगा, सिक्स से हो जाएगा, सेवन से नहीं होगा, एट से नहीं होगा, नाइन से हो जाएगा, टेन से नहीं होगा, इलेवन से नहीं होगा, ट्वेल्व से नहीं होगा, 13, 14, 15, 16 किसी से नहीं होगा, सिर्फ ये 18 से होगा जाके अपने। तो ये जो होते हैं वन से ये हो गया डिवाइड, टू से डिवाइड हो गया, थ्री से हो गया, सिक्स से हो गया, नाइन से हो गया, 18 से हो गया, तो यही इसके फैक्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं फैक्टर, याद रखिएगा जरा इसी चीज को, अभी ट्रिक बताएंगे यहीं पे, ठीक है। अब ये तो बेसिक है, बहुत सारे बच्चे तो इसको स्किप कर देंगे, अरे यहीं से तो बेसिक शुरू, यहीं से तो शॉर्ट ट्रिक अभी हम बताएंगे ना, इसको स्किप करके फिर आप समझ के पाएंगे। आगे देखिएगा, फैक्टर हो गया, अगर हम 18 का मल्टीपल कहें तो मल्टीपल, जैसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने कहा गुणज, तो मल्टीपल का क्या मतलब होता है, इस चीज को जरा समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब 18 का अगला मल्टीप्लाई से 36, फिर 60, 54 हो गया ना, यही सब तो मल्टीपल है।
ठीक है, 72 और 16, ये सब मल्टीपल है, यानी कि 18 का टेबल मल्टीप्लाई करते चले जाएं 18 को, ये टेबल होता है ना 18 का, ये इसके मल्टीपल आते हैं। ये तो हो गई बात, हमने आपको गुणज, गुणनखंड और गुणज में फर्क बता दिया। एससीएफ ये बहुत कॉमन चीज है, कोई बताता नहीं, डायरेक्ट आपको एससीएफ एलसीएम निकालना बता दिया जाता है, बस हो गया, लोग जाओ एग्जाम में करो जाके, ठीक है। तो वहां पे ये नहीं है कि हमें करना तो है ही एग्जाम में, अभी हम ट्रिक भी बताएंगे ना इसकी कि एग्जाम में शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स और मल्टीपल तो मतलब समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे इसमें कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपसे कहें एक क्वेश्चन दे दें, इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर समझिएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ये मैंने दिया कि यहां पे लिखा है 18 और यहां पे लिखा है 12, इन दोनों का कह दें एचसीएफ निकालो, क्या निकालो, एचसीएफ, ठीक है। तो आप तो सबसे पहले तरीका जो हम आप बताने जा रहे हैं, पहले उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर हम तरीका भी बताएंगे, इसका ट्रिक भी बताएंगे। पहले जो बताने जा रहे हैं, अब एचसीएफ के बहुत सारे मेथड होते हैं, लोगों को बहुत सारे पता है तरीके, हम जो बताने जा रहे हैं जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर डिफरेंस करिएगा दोनों, या किसी ने बताया है वो सही है कि यह मेरा सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके पहले हम एचसीएफ में हमने आपको अभी बताया था फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम फैक्टर्स निकालते हैं एचसीएफ में फैक्टर, तो इसका जरा फैक्टर निकालो, 1 अभी हमने बताया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा और 18 से हो जाएगा, ये इसका फैक्टर होगा। इसी तरह इसका फैक्टर निकालो, 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा और 12 से होगा अपने आप से, ये इसके सबके फैक्टर्स आ गए। लेकिन हमने तो आपसे कहा था कि मासा निकालो एचसीएफ, आपने निकाल के दिया फैक्टर, ये तो आंसर आया नहीं, चलो देखो ना बताने तो जा रहा है। अब इसके एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डेफिनेशन में ही छिपा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर मतलब फैक्टर, तो जो दोनों में जो सबसे बड़ा हो, दोनों में क्या है, 1 1 सबसे बड़ा, इसमें दोनों में कॉमन कौन कौन सा, देखो ये कॉमन हो गया, ये एक दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है और ये दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है, बस यही तो है। तो दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन हो, सबसे बड़ा क्या है, 6, एचसीएफ क्या हो गया, 6, समझ में आया, ये तो था बेसिक तरीका, ये पता होना चाहिए। अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी ने एचसीएफ इस तरह से पढ़ाया नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है, समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आपको, किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा जो चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो होगी एचसीएफ की बात कि एचसीएफ इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना। अगर हम कहें एलसीएम इसी तरह का, यही क्वेश्चन दे दे, सिर्फ एलसीएम पूछ ले, बस समझते रहिएगा, अभी जरा बेसिक क्लियर करिएगा, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन तो आते हैं, अभी हम इसकी ट्रिक बताएंगे, ये तो हमने लॉन्ग था, ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना करना है, एग्जाम में ऐसे करेंगे तब तो हो गया। देखो चलते हैं, देखिएगा यहां पे हम है एलसीएम, इस बार निकालो, तो एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इस बार हमें मल्टीपल लिखना है ना कि फैक्टर, तो मल्टीपल हमने निकला लिखना आपको बताया था कि मल्टीपल मतलब इसी के क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 18 18 का टेबल 36 36 के बाद 54 54 के बाद 72, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, और भी होंगे, 51 इसका करते हैं इसी तरह 24 एक 12 पहला, तो फिर 24 फिर 36 फिर 48 फिर 60 फिर 72 एंड सो होंगे ना ऐसे। चलिए यहां तक तो हो गए, अब बात आपकी डेफिनेशन में देखते हैं एक बार, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट सबसे छोटा जो कॉमन हो और मल्टीपल, इन दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन, सबसे छोटा कौन कौन सी चीज कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये आपस में कोई कॉमन नहीं, बस इकलौता यही चीज हमें तो अभी तक कॉमन दिख रही है, ये दिख रही है ना दो चीजें कॉमन,
तो कह रहा है लोवेस्ट बताओ, ये तो हाईएस्ट हो जाएगा ना, ये भी तो लोवेस्ट होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 36। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, पढ़ने का तो यही तरीका है सही से, वरना तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। सबसे पहले बेसिक तो पता होना चाहिए ना, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा मल्टीपल ऑफ फैक्टर होता है क्या। बस हमें ये पता है एचसीएफ कैसे निकाले, एलसीएम कैसे निकाले, बस निकाल देंगे हम, ये नहीं हम जानते होता क्या है, ठीक है, निकाल देंगे नहीं, निकालेंगे कैसे होता क्या है ये तो पहले देखें। चलो अब समझते हैं इसकी ट्रिक कि हम जल्दी फास्ट कैसे निकालें। इसी क्वेश्चन से दिखा दूं या अगला क्वेश्चन बताते हैं, दूसरे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से ट्रिक नहीं बताते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो जरा, अब तो पहले तो बेसिक देख लेते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 30, 60 और 75। अगर हम इनसे आपसे कहें कि इनका बताओ जरा एलसीएम, एचसीएफ बता दो, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ निकालो, इस तरह से एग्जाम में आता है कि इनका पहले एचसीएफ बताओ, तो आपको सबसे पहले पता है आपने जो निकाला होगा वो क्या निकाला होगा, उस तरीके को पहले हम देख लेते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं। आपने सबसे पहले इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि कोई ना कोई डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। एचसीएफ अगर हम निकालने का एक तरीका और बता दें, एलसीएम तो आपने देखा होगा, एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो डिवीजन मेथड होता है कि डिवाइड करके निकाल दिया हमने, ठीक है। एक तरीका और क्या होता है इसको जरा यहां पे समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं, एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये तीनों नंबर आपस में डिवाइड हो जाए, तीनों, ये नहीं कि एक ही डिवाइड हो रहा हो, ये एचसीएफ निकालने का तरीका बता रहे हैं। जितने भी नंबर दिए हो उनको लिख लो, फिर एक ऐसा नंबर लो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, और ये आ जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, 15। आ गया ना यहां तक, अब ये तो हो गया। अब एक और नंबर, ये भी ऐसा नंबर लो जिनसे ये पूरे तीनों डिवाइड हो, अगर नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो, आगे नहीं करना, खत्म क्वेश्चन ही खत्म, अगर हो रहे हैं तो करो, नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो, खत्म, एचसीएफ निकल आया। देखिए आगे, ये हो रहे हैं क्या, एक ऐसा नंबर, हाँ हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, ये हो रहा है 2, ये हो रहा 4, ये हो रहा 5। अब क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिससे सारे हो रहे हो, नहीं, 2 है तो 2 से ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो आगे नहीं करेंगे, बस काम खत्म, ये कुछ नहीं करना आगे, हमें काम खत्म, यही हो गया हमारा एचसीएफ। 5 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15। आया समझ में, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, तो यही होता है एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकालने का ये तरीका मैंने आपको बताया, ये अब अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, यहां पे समझिएगा। इसी क्वेश्चन को जरा मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूं, जैसे ये लिखा 30, ये लिखा 60, ये लिखा 75, इनको जरा वो करो डिवाइड। यहां पे समझिएगा, इस तरह मैंने बताया एचसीएफ निकालने का तरीका दूसरा क्या है, और थोड़ा सा शॉर्ट, एक ऐसा नंबर अपने दिमाग में लेंगे जिस नंबर से ये बड़ा मैक्सिमम, बड़े से बड़ा नंबर, जैसे 5 हमने सोचा था, तो 5 से बड़ा कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिससे सारे एक साथ डिवाइड हो जाए, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि 15 एक ऐसा नंबर है जिससे सारे डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, इनको 15 लिया, 15 से डिवाइड किया 2, 15 से डिवाइड किया 4, 15 से डिवाइड किया 5, तो डायरेक्ट मेरे दिमाग में आया 15, बस यही हो गया। लेकिन सारे डिवाइड होना चाहिए, अगर कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो एचसीएफ नहीं निकलेगा, यानी कि 2 आगे डिवाइड हो गए, नहीं हुआ तीसरा, ठीक है। अगर कोई बच जा रहा है, जैसे बड़ा नंबर है, जब नहीं होगा तो वो डिविजन मेथड से बिगड़ते हैं, छोटे नंबर को हम इस तरह कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, हाँ चलो, अगर छोटे नंबर आ जाते हैं तो हम इस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, एलसीएम अगर आता है निकालने के लिए, तो एलसीएम तो आपको पता ही है, एलसीएम का तो वही तरीका है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 30, 60 और 75, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन सब से डिवाइड हो जाए, 2 से अगर हम डिवाइड करें, पहले 5 से करते हैं, तो 5, 6 जा 5, 12 जा 5, 15, फिर 3 से करते हैं तो 3, 2 जा 3, 4 जा 3, 5 जा
फिर टू से करते हैं, टू वन जा टू, टू जा टू फाइव जा, बस सब तो होगा नहीं ना, सबको मल्टीप्लाई कर लो, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जा थर्टी, थर्टी टू जा सिक्सटी हो गया, और सिक्सटी फाइव जा थ्री हंड्रेड, समझ में आ रहा ना? ठीक है, सिक्सटीन फाइव जा थ्री हंड्रेड, यही हो गया इसका एलसीएम, समझ में आ गया ना? ये तो सब बेसिक चीजें आपको पता ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एससीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है, लेकिन इतना इजी नहीं पूछा जाता, मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे नंबर एससीएफ निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी बड़े नंबर अगर आ जाते हैं तब कैसे करते हैं, उस चीज को जरा समझ लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पे हमने एससीएफ क्या निकाला था, एससीएफ में बता देते हैं अभी, जो इसी को यही तो नंबर थे, एससीएफ कितना था 15। एक चीज यहां पे छोटी सी याद रखिएगा कि हमेशा एससीएफ जो होगा एलसीएम जो निकलेगा एससीएफ उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम से एससीएफ से एलसीएम हमेशा डिवाइड हो जाएगा, या उसका एलसीएफ जो होता है वो एलसीएम का गुणनखंड होता है, ये कह सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत यूज होगा अभी यहाँ पे। ये 15 निकला था एससीएफ, नंबर तो यही थे, और एलसीएम कितना था, ये 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स। मींस एससीएफ जो निकलेगा वो एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, डिवाइड हो जाएगा, एक ऐसा ही नंबर आएगा जिसके गुणनखंड होंगे, इसके अगर गुणनखंड करें तो एससीएफ वाला नंबर आएगा, ठीक है। चलो तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससीएफ एलसीएम दे दिया गया तो बोल देगा कि इसका कौन सा एससीएफ नहीं होगा, इसमें से निम्न ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसका गुणनखंड जो होगा वही उसका एससीएफ हो जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन हम देखेंगे जब एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कैसा होता है। अब देखते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या कौन सा क्वेश्चन है। जैसे एक अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है 48, 36 और 18, ठीक है, और 18। अब इसका एससीएफ निकालने से बोलता है आपसे, एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं, एससीएफ निकालने के लिए बोलेगा। तो हमने आपको बताया था दिमाग में एक ऐसा नंबर सोचना है, मैक्सिमम बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर सोचना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। सोचो तो कौन सा ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा, टू, टू से तो हो जाएगा, थ्री, थ्री से तो पूरा हो सकता है, सिक्स, सिक्स से क्या हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, सिक्स से कर देते हैं, सिक्स सिक्स थ्री हो गया। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे कि ये नंबर हो सकते हैं, टू से तो ये दोनों हो जाएंगे लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब अब एससीएफ खत्म, अब आगे नहीं करना, एससीएफ यही होगा। चुटकियों का खेल था, चुटकियों में एससीएफ निकाला, और एससीएफ ही पूछा जाता है एग्जाम में, एलसीएम नहीं पूछा जाता क्योंकि इसी में टाइम लगता है, ये हमने ट्रिक बताई है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले फिर बताते हैं, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे पूछा जाता है थोड़ा सा बड़ा आ जाए और उसमें पूछ ले, जैसे एक क्वेश्चन है 1272 एंड और 4932, ऐसे दिया गया, कह रहा है इन दोनों का एलसीएम ए मासा निकालो, एससीएफ निकालो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इनको हम कैसे करेंगे, तो इनको भाग विधि से करते हैं, भाग विधि जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, उस विधि से हम इसको करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे और सबसे बड़ा नंबर उसको बीच में, जैसे आपने 70 और डिवाइड करो 4932 डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो तीन बार पहले कर लेते हैं, तीन बार, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 7 3 21, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8 और 3 1 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहां से 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहां पे 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, और 4 से 1 जाएगा 1। अब जो बचा रिमाइंडर जो बचा शेष, उस शेष को ऐसे लिखेंगे और इस चीज को यहां पे लिख देंगे 1272, यही तो करते हैं। चलो भाग कर लो इसको, तो ये 1101 बार में जाएगा 1116, ये 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 156 बचा। अब इस 1116 को यहाँ पे लिख लेंगे,
ठीक है। फिर से भाग करेंगे 156 को, तो 156 और 1116, 156 और 1116 कितनी बार जाएंगे इस चीज को आगे देख लेते हैं। डिवाइड कर लो जरा, चलो डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया लगभग 6 टाइम्स देख लेते हैं 6 बार में, तो 1200 ऐसे कर लेंगे 6 बार में देखेंगे, 6 6 36, 3 कैरी, 6 5 30, 3 3 33, 3 कैरी, 6 6 9 9 36, ठीक है 936 यहाँ पे रहेगा, लिख लेते हैं 936। भाग करते हैं इसको, ये 0 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा तो ये 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 10 से 9 जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार में और जा रहा है, ठीक है 1100 था तो ये 7 बार में जाएगा, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह चेक करेंगे, जब ध्यान दीजिएगा 7 बार जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे 7 बार जाएगा, ये कर देता हूं मैं 7 बार, चलो 7 6 42, 4 कैरी, 7 5 35, 4 39, 3 7 7 10, 1092, 1092 लिख लो यहाँ पे, भाग करो ये माइनस करो, 4 बचा, 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है बस, और यहाँ पे 24, इसको मैं इधर लिख देता हूं। अब ये जो 24 बचा, ठीक है 24 बचा जो, अब इसको 24 को हम लोग भाग करते हैं 156 से, ठीक है यही तो बचा, इसी से तो भाग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 24 में कितनी बार जाएगा इस चीज को देखते हैं, यहां पर 6 बार चेक कर लेते हैं, 24 का 6 बार भी जा सकता है, 6 4 24, 2 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक है 6 बार में 144 हो जाएगा। भाग करेंगे इसको तो 2 माइनस करेंगे तो ये 12, इसको करेंगे 24, ठीक है 12 दूना 24, जो लास्ट में आया कुछ नहीं सी एस बचेगा, तब जो जिससे हमने भाग किया होगा वही एस सी एफ हो जाता है, लास्ट का जिससे हमने भाग किया था वही हो जाता है सीएस। समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझ में आई, तो सबसे पहले इस नंबर से भाग करेंगे जो आया भाग पर वो लिखेंगे, फिर जिससे भाग किया था वो लिख लिया, फिर जो भाग फल आया फिर जिससे भाग किया था वही लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है फिर जो बचा फिर 24 लिखा, फिर जिससे भाग किया था वो लिख, वही लिखते रहेंगे हम। इस तरह से एससीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, या जिसे भाग विधि कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया है कि इस ये 3 नंबर दिए, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1344, इसको लिख लिया। सबसे छोटे नंबर से भाग करेंगे, इन दोनों में से कोई भी नंबर ले लो जो आपकी मर्जी हो, तो जैसे मैंने इसको बड़े वाले नंबर को ले लो, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, 2754 डिवाइड कर लो इसको, तो 13 इसको करेंगे 2 बार कर लें, कितनी बार 2 बार, अगर हम इसको 2 बार भाग करें तो 4 2 8 और 4 2 8 और 3 2 6 और 2 1 2, माइनस करो 12 से 8 चाहिए 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 से 8 नहीं निकलेगा 14, 14 से 8 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 6, कुछ नहीं बचा 64 बचा, 64 से इसको भाग करो 1344, ठीक है। अब 64 से 1344 को कैसे भाग करेंगे, 64 इसको इतने पे पहले भाग करो 2 बार, 64 2 बार 128, 14 से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पे तो 6 ही बचा, ये 64 लिख लिया एक बार, 64 भाग हो गया ना। अब समझिएगा इसके आगे तो हुआ नहीं, 64 खत्म, अब इसी नंबर से जो बचा हुआ नंबर था उसको भी भाग कर लेंगे 64 से, 1856 यही तो था, चलो भाग करो 64 से भाग करेंगे 2 बार, 2 ही बार में जाएगा 128, तो ये 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 57, ठीक है सॉरी अभी बचा ना 6 बचा, इस 6 को यहाँ लिख लेते हैं। अब 64 से फिर से इसको करेंगे तो 64 से इसको करो कितनी बार जाएगा, ये 9 से करते हैं
619 4 36 तीन, 9 6 54 और 3 57 ठीक है, 9 जा पूरा हो जाएगा 576 बार पूरा पड़ जाएगा, तो कितना गया 64 आ गया, यही इसका SCF होता है, हमने अभी बताया था ठीक है। अब तीन नंबर होंगे तो आप कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस सेट में हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे, हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे आप क्लिक करके टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे, उस टेलीग्राम जो चैनल होगा वहां पे आपको PDF प्रोवाइड हो जाएंगे, क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, उनको प्रैक्टिस में करिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन आपको वहां पे हम प्रोवाइड करा देंगे, उन क्वेश्चनों को आप वहां पे अच्छे से करिएगा ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए हम आपको कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन देंगे, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इन्हीं के साथ देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक सारे क्वेश्चन आप लोग कर डालेंगे ठीक है, हम इतने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आपको बताएंगे। यहाँ तक तो हो गया बेसिक SCF और SCF कैसे निकालते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में आते हैं, NTPC वाले बच्चे अगर आ सकते हैं तो बड़े क्वेश्चनों का SCF निकालना आ सकता है, LCM तो बेसिक है आप लोग निकाल सकते हैं, हमने LCM निकालना आपको मेथड बताया था, लेकिन SCF निकालना ही क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, LCM निकालना कम आता है, SCF निकालना ज्यादा आता है, वो SCF का तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरीके लॉन्ग डिवीजन मेथड विभाग विधि थी और उस तरह SCF जैसे निकालते हैं मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का निकालते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन होता क्या है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कम आते हैं, ग्रुप डी में आते हैं, वो आए थे आए हैं और आएंगे, याद रखिएगा ग्रुप डी वाले बच्चे इस तरह के क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस अब आपको करनी है, क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा उसको ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे अगर टेलीग्राम आपके फोन में नहीं है तो आपसे डाउनलोडिंग का मांगेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करेंगे नीचे फिर लिख के आएगा ज्वाइन करिएगा, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे ठीक है, अगर है पहले से ही तो क्लिक करेंगे ज्वाइन का आ जाएगा ऑप्शन, ज्वाइन करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे, फिर उस चैनल पे आपको क्या उस चैनल पे आपको PDF क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते जो भी डाउट हो आप वहां पे पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे आपका वीडियो बना के उस डाउट को सॉल्व करा देंगे। अब आते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम, क्वेश्चंस कैसे आते हैं NTPC और यहाँ पे ग्रुप डी दोनों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अब क्वेश्चंस क्या होंगे वो देखो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पे आते हैं, एक तरह का अभी एक टाइप का और रह गया क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है ग्रुप डी में पूछा गया था, इस बार ARP में भी आया था ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था जैसे एक बार ऐसे हम लिख दें कोई क्वेश्चन 3/4 5/6 और यहां पे लिख दें 7/8, इसमें कहें हम SCF निकालो, HCF और LCM निकालो, इसका देखो अभी तक तो हमने पढ़ा है, नंबर कोई दे दिया जाता तब तो हम निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा ग्रुप डी वाले बच्चों ठीक है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था और ALP में भी आया था, तो इस बार NTPC में आने के चांसेस है, NTPC में आ सकता है, NTPC में क्वेश्चन आ सकता है, ग्रुप डी में भी आएगा, तो SCF और LCM अगर ऐसे पूछता है तो इसमें निकाला कैसे जाता है, अगर कभी भी HCF निकालने के लिए पूछिएगा तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाले जो नंबर दिए 3 5 7, अब ये नहीं मतलब है कि बटे में लिखे, तो ऊपर वाले जो नंबर है 3 5 7, तो यहीं पे लिख लेंगे ब्रैकेट में 3 5 और 7 का हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे ठीक है, ऊपर वाले का HCF बटे में नीचे वाले का LCM 4 6 8 इनका LCM, अगर हम HCF निकालने के लिए बोलेगा तब, अगर LCM निकालने के लिए बोलता है तब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का LCM निकालेंगे 3 5 7 इनका क्या करेंगे LCM, और जो नीचे वाले नंबर है इनका HCF, समझ में आ गया हाँ, इस तरह से निकाल। चलिए अब इसको देखते हैं, ये हो गया यहाँ पे SCF और LCM, ये फॉर्मूला SCF का 3 5 7 का SCF यानी ऊपर वाले का SCF, अगर SCF निकालना होगा तो ऊपर वाले का SCF, नीचे वाले का LCM, अगर LCM निकालना होगा तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का SCF, उल्टा होता वही चीज होती है, SCF तो ऊपर SCF
तो ऊपर वाले का सीएफ एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का सीएफ, उसी का उल्टा होता है। ठीक है, अब चला देख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को बस 3, 5, 7 इनका एससीएफ निकालो। तो अभी हमने बताया था 3, 5 और 7 इनको एक ऐसा नंबर आपको सोचना है जिससे ये पूरे पूरे तीनों कट जाए, तीनों डिवाइड हो जाए। तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है 3, 5, 7 में, कोई ऐसा नंबर नहीं, सिर्फ वन है। क्या है? वन एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका एससीएफ क्या हो जाएगा? वन हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? तो अगर एलसीएम की बात करें 4, 6 और 8, तो इनके एलसीएम एक ऐसा नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए, 2 से अगर करें तो 2, 2, 3 और 8, 4, ठीक है, क्या हो जाएगा? 4। फिर से 2 से करें तो 2, 1, 3 और 2, फिर 8, 2, 2 जा 4, और यहां पे 4, 3 जा 12, 12 जा 24, 24 हो गया, तो 1/24 यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका एससीएफ निकालो, तो इसका एससीएफ क्या होगा? 1/24। समझ में आ गया? कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाता है, ये तो जरूर पूछा जाता है, आता ही है। चलो आगे देखते हैं, एलसीएम। अगर 3, 5, 7 इनका एलसीएम निकालो सबसे पहले, तो इनका एलसीएम अगर निकालें तो 3, 5, 7, तो ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनसे ये कट जाए। तो अगर कोई नंबर जब नहीं होता है, किसी से नहीं कट पाता, तो इन्हीं सबका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, 5, 6, 15, 15, 7, 105, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 105। अगर बात करें एससीएफ की, तो एससीएफ कैसे निकालेंगे? 4, 6, 8 इनका एससीएफ, तो 4, 6, 8 का भी हमने एससीएफ निकालना आपको बताया। कैसे? 4, 6, 8, तो कोई एक ऐसा नंबर जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, बड़े से बड़ा नंबर सोच सकते हो। तो कोई नंबर कोई हो सकता है जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, 2 है, 2 से 2, 3 और 4। अब कोई ऐसा नंबर जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, कोई है ही नहीं। जब एससीएफ हमने बताया था कि वो नंबर आपको बताना जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, तो 2 नंबर है जिससे पूरा डिवाइड हो गया, हो गया पूरा डिवाइड। अब कोई ऐसा नंबर जिससे पूरा डिवाइड हो जाए, एससीएफ हम पूरा डिवाइड करते हैं, एलसीएम में तो 1 डिवाइड हो रहा है तब भी कर सकते हैं, 2 हो रहे हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन एससीएफ में पूरा होगा। तो अब कोई ऐसा नंबर जिससे पूरा डिवाइड, 2 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, 3 से यही होगा, ये दोनों नहीं होंगे, तो इसका मतलब अब तो डिवाइड होगा ही, तो इसके एससीएफ क्या होगा? 2 होगा ना, 2, बस यही होगा इसका आंसर, 105/2। समझ में आ रहा ना? ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आगे कोई एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए आपको। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लिया 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है, 6/4 और 8/9। अब इसमें आपको बताना एचसीएफ पहले निकालो। तो अगर हम आपसे कहें इसमें एचसीएफ निकालो, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब 4, 6, 8 इनका एचसीएफ निकालो। तो अगर इनका एचसीएफ हम आपसे बोले, तो एचसीएफ निकालने का अभी हमने तरीका बताया कि एक बड़े से बड़ा नंबर सोचो जिससे सारे डिवाइड हो जाए, तो कौन सा हो सकता है? 2, 2 से सारे डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 लिख लिया, 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 4। अब कोई एक ऐसा नंबर जिससे सारे डिवाइड हो जाए, तो कोई नंबर ही नहीं है जिससे सारे डिवाइड हो जाए, तो बचा क्या? यही हो गया 2 एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? वैसे क्या होता है, एचसीएफ होता है ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ, यानी कि 4, 6, 8 का क्या निकालना था? एचसीएफ, ठीक है, और नीचे वाले का 3, 4 और 9 का क्या निकालना है? एलसीएम, ये तो फॉर्मूला था। तो एचसीएफ 4, 6, 8 का एचसीएफ क्या हो गया? 2। एलसीएम अगर निकालें 3, 4, 9 का, 3, 4, 9 का एलसीएम, एलसीएम तो हमें पता ही है आपको, ठीक है, वही तरीका, 2 से इस नंबर को जिससे डिवाइड हो जाए, 2 से पहले हो रहा है डिवाइड, ठीक है, 2 से कर लो, या फिर डायरेक्ट 2 से कर दो पहले, 3 और ये 2, ये 9,
हो गया, फिर से दो से तीन एक नौ, अब ये किससे कटेगा, तीन से, थ्री वन थ्री वन थ्री, ठीक है। अब एक नंबर बचा तो ये लिखा रहने दो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, ठीक है, तो थर्टी सिक्स हो गया। अब इसको कट कर लो, अगर डिवाइड होना वन अपॉन एटीन, यही इसका आंसर। एस सी एफ आ गया, एलसीएम अगर निकालने के लिए बोले तो एलसीएम अगर बोलता तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एस सी एफ, तो चार छ आठ इनका क्या निकालना, एलसीएम, और तीन चार नौ का एच सी एफ निकाल दो, निकाले, ध्यान दीजिएगा, चार छ आठ का एलसीएम, एलसीएम निकालो, तो इनका फोर सिक्स एट का एलसीएम निकालते हैं, तो यहीं पे हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, इधर देखिएगा, चार छ आठ, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, टू टू जा टू थ्री जा टू फोर जा, फिर से टू से कट करेंगे, टू वन जा टू थ्री जा टू टू जा, अब तो कट नहीं होगा ये किसी से, तो जो बचा टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर आ गया, यहाँ पे लिख दो अपॉन इनका सबका एच सी एफ, और एच सी एफ कैसे निकालेंगे, एक ऐसा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तो ये तीनों किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वन, तो कौन सा नंबर, सिर्फ वन, ठीक है, तो वन लिख लो, वन ही से हो सकते हैं, और थ्री से तो नहीं, थ्री से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वन आ गया इसका एच सी एफ, समझ में आ गया, ठीक है, चलो यहां तक हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी में सीधे भी पूछ लिया जाता है कि कोई दो नंबर दे दिए, तीन नंबर दे दिए, इनका एससीएम बताओ एलसीएम बताओ, इस तरह से भी क्वेश्चन ग्रुप डी और रेलवे, रेलवे एनटीपीसी ध्यान करके उसमें पूछा जाता है, इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात आठ अनुपात दो है, आठ अनुपात पांच है, एक अगर एससीएफ का है पंद्रह है तो संख्या बताओ, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो कभी भी अनुपात दिया है तो पहला नंबर अगर हम एन वन समझ लें तो एन वन क्या है एट एक्स, और अगर दूसरा नंबर हम एन टू समझ लें तो एन टू कितना है फाइव एक्स, ठीक है। अब हम आपसे कहें ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर का आप एससीएफ निकालो, मतलब महत्तम समापवर्तक मासा निकालो, ठीक है, या दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि इनका एससीएफ 15 है, मतलब मासा 15 है, तो मासा निकालो इन दोनों का, अगर इन दोनों का आपसे कहें एससीएफ निकालो तो आप कैसे निकालोगे, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एक ऐसा नंबर जो जिससे दोनों क्या हो डिवाइड हो जाए, 8x और 5x, सही तो होता है, अभी हमने एससीएफ इसीलिए कहा था, वहां पर ध्यान से देखिए, अब यही चीज वही चीज यहां पर यूज होगी, फिर वहां पे वो मेथड आप पुराने जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा अगर वो यहाँ पे लगाने लगे फिर यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इसीलिए बोला था कि बहुत ध्यान से वहां पे वीडियो का कट करके ना देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का एससीएफ कैसे निकालेंगे, एक ऐसा नंबर जिससे दोनों कट जाए, तो एक ऐसा नंबर कौन सा है एक्स, कौन सा है एक्स, एक्स से तो दोनों कटेंगे तो वही इसका एससीएफ हो जाएगा, और तो किसी से कटेंगे नहीं, एट एट से अगर इस टू से ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा फाइव, ठीक है, तो एक्स कट जाएगा तो एक्स इसका एससीएफ हो गया, तो एससीएफ क्या हो गया एक्स, समझते रहिएगा अभी क्वेश्चन, हमारे हिसाब से एक्स है, क्वेश्चन लिखा है कि पंद्रह है, बात तो वही, मींस एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टीन, समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्स की वैल्यू फिफ्टीन आ गई, अब यही वैल्यू यहां पर रखो, मींस एन वन की वैल्यू आ गई आठ मल्टीप्लाई पंद्रह एक सौ बीस, और एन टू की वैल्यू क्या आ गई पांच इंटू एक्स, सॉरी पांच इंटू पंद्रह पचहत्तर, समझ में आ गया ना, हो गया खत्म, एक अगर सही से अगर पढ़ा होता ना आपने तो पांच सेकंड का क्वेश्चन है, एग्जाम में पांच सेकंड में करता, वही लड़के वहां पे एनटीपीसी में या रेलवे ग्रुप डी में वही क्वालिफाई कर पाएंगे जो पांच सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, वही लड़के कर पाते हैं, उन्हीं लड़कों के 80 90 85 या 90 नंबर आते हैं 100 में, वो उन्हीं का सिलेक्शन होता है, फिर 60 65 55 40
रह जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक चीज छोड़ेंगे नहीं, ट्रिक से बताएंगे हर एक चीज, लेकिन बस वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। मैंने आपसे बोला है कम से कम 3 लोगों को आपको शेयर करना है इस वीडियो को, कम से कम 3 लोगों को, ठीक है। तो अब मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर 3 लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ गया, ये इस तरह का क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता है कि यहाँ पे तो संख्याएं बताओ, सारे तरह की प्रोसिबिलिटी हम बता देंगे इसी क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे कह रहा संख्याएं बताओ, अभी यहाँ पे कह देता जो संख्याएं निकल के आएंगे उनका लासा बताओ, ठीक है। यहाँ पे ये कह देगा कि उन संख्याओं का लासा बताओ, ये संख्याएं दे देगी, कह रहा इसी तरह का क्वेश्चन देगा, बस यहाँ पे कह रहा लासा बताओ उनका। तो अब ये संख्या निकल, अब इनका लासा निकालना है आपको, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो अब एलसीएम निकाल के यहां से, तो 120 और 75 एक ऐसा नंबर जिससे पूरे डिवाइड हो जाए सारे, तो वो हो गया 15। अगर हम एलसीएम थोड़ा सा फास्ट बोलें जल्दी से, तो 15 से डिवाइड करो, 15 छह का 8, और यहां से डिवाइड करें तो 15 15 75, ठीक है। फिर बचा क्या, 8 से डिवाइड करें 1 और 5 5 से कर ले, ऐसे अगर आप करते हैं, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो बस, 15 8 120 120, और ये 600 आ जाएगा, 12 5 60, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 600। अगर पूछता है तो, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, 600 आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो यही पे हम सब कुछ आपको समझा देना चाहते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में इन दोनों का, चलो क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, फिलहाल इन दोनों का एलसीएम बताना चाह रहा था मैं, क्वेश्चन में ही बताते हैं ना, फिर हो जाएगा इसी में सब कुछ बता दे, पूरा क्वेश्चन ही नहीं दूसरा दिया, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, इनका योग, दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ 15 है, योग कह रहा 135 है, जोड़ोगे 135 आएगा, एलसीएम कह रहा 300 है उन्हीं दोनों संख्याओं का, और तो बड़े संख्या फिर बताओ क्या होगी। यानी कि एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, उनका जोड़ भी दे दिया है, और आपसे संख्या पूछ रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देता हूँ, प्रॉब्लम ना हो, लिख पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, दो क्वेश्चन को मैं लिखूं फिर उसके बाद क्वेश्चन बताऊं तो काफी टाइम जाएगा, तो 1-1.5 घंटे में हम 5 क्वेश्चन बता पाएंगे, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 135 एंड देयर एलसीएम इज 300, फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है, उन दोनों नंबर्स को बताना है। तो आपको करना कैसे है इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ पता है अगर हमें, तो एचसीएफ हमें 15 पता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर, अगर हम एनवर की बात करें, पहला नंबर क्या होगा, तो जो एचसीएफ होता है इसी के मल्टीप्लाई में होता है पहला नंबर, तो हम पहला नंबर हमेशा लिख कर सकते हैं 15A, और ये जो सेकेंड नंबर लिख कर सकते हैं 15B, समझ में आ रहा है। इसको बहुत ध्यान से, बहुत यूज होगा, इतना ज्यादा एचसीएफ में यूज होगा कि कुछ कहने को नहीं, इसलिए एचसीएफ हमें अगर पता है तो हम पहला नंबर और दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। देखो निकाल लिया, एचसीएफ पता था, पहला नंबर 15 है, दूसरा नंबर 15B आया। अब हम कहें आपका इन दोनों का एचसीएफ निकालो, ये ना पता हो ऊपर वाला, हम कहें आपसे 15 या 15B का एचसीएफ निकालो, तो आप कहेंगे कि ऐसा एक नंबर जिसे दोनों डिवाइड हो जाए, तो कहेंगे तुरंत 15 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, हो गया एचसीएफ, ये तो हमने आपको सिखाया है ना अभी, समझ में आ रहा है ना, समझते रहिएगा। इसीलिए अब यहां पे एचसीएफ आ गया, दोनों पहला नंबर दूसरा नंबर हो गया, इनका योग कह रहा है, दोनों नंबरों का योग सम 135 है, तो 15A प्लस 15B की वैल्यू आ गई 135। तो A प्लस B की वैल्यू अगर निकालें, 15 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो 15 यहां से हमने कॉमन ले लिया और इधर हो गया 135, तो A प्लस B की वैल्यू अगर आ गई यहां से 9, कितनी आ गई 9, यहां तक समझ में आ गया, 15 इधर डिवाइड में आ गया। ग्रुप डी वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है, ध्यान से देखिए 15 इधर डिवाइड में आ जाता तो 9 आ जाता, ये तो पता होगा ना आप लोगों को। चलो A प्लस B की वैल्यू 9 आ गई,
अब हमें ये पता है कि a प्लस बी की वैल्यू 9 है, चलो यहां तक क्वेश्चन हो गया। एक चीज और इसमें दी गई, एलसीएम 300 है, तो अगर इन दोनों नंबर का हम आपसे एचसीएफ बोलते हैं तो आप तो निकाल लेते हो क्या ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो आप कहते हैं 15 से डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स 15 एचसीएफ हो गए। अगर हम कहें इन दोनों का एलसीएम बताओ, तो एलसीएम के लिए भी तो हमने यही बताया है कि एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए वो नंबर तो होगा ही, साथ में जो बचे हुए नंबर है उनसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन कि इन दोनों को एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या से भाग करेंगे, जब 15 से भाग हो जाएंगे तो दोनों से 15 से डिवाइड हो जाएंगे, 15 प्लस जो बचा वो भी तो मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम में। यानी कि जैसे ऐसे होता है, जैसे एक नंबर हमने आपको दे दिया 4, एक नंबर है 6, एक नंबर है आपको 7, तो हमने इसको भाग किया, जैसे सपोज कर लो भाग के 6 ही ऐसे 6। अब यहां पे हमने इसको भाग किया, तो भाग किया जैसे 2 से भाग किया 2 और 3 और 3, तो अब जो नंबर बचे 2 और जो नंबर बचे उन नंबर सबका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ये 2 और ये 1, ये 3 दो बार है ना, एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 4 4 3 12 ऐसे ही तो होता है। तो वही चीज है, हम यहाँ पे 15 से भाग करेंगे तो 15 तो हो ही होगा ही, और जो बचा क्या a और b बचेगा, तो a और b भी मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर डायरेक्ट याद रखो, अगर ऐसा कभी भी नंबर होता है तो जो कॉमन होता है वो और जो कॉमन नहीं होता, यानी कि a और b, ये एलसीएम हो जाता है इसका, ठीक है। तो 15 a b इसका एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कहा था 300, दोनों की बात को बराबर करेंगे इक्वल 300, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर ए बी की वैल्यू 20 आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू 9 है, यानी कि दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो हम सपोज कर लेते हैं एक संख्या 5 है एक संख्या 4 है, तभी तो 5 और 4 जोड़ेंगे 9, एक 5 और 4 का गुणा करेंगे 20, यानी कि ए की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 5 और बी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 4। आया समझ में, या ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 5, किसी को भी कुछ भी समझ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी की वैल्यू आ गई, लेकिन ए और बी की वैल्यू नहीं बतानी थी हमें, नंबर बताने थे, तो ए की वैल्यू 5, तो यहां पे अगर 5 रखें तो यहां पे देखिएगा 15 × 5 15 75, और यहां पे अगर 4 रखें तो 15 × 4 60, समझ में आ गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं फिर एक क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, हमने देखिएगा, देखिए तिनी दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 13 है, संख्या हर संख्या 13 से बड़ी है, यानी कि दो संख्याएं हैं, अब ये नहीं पता, लेकिन ये कह रहा कि दोनों जो संख्याएं हैं वो 13 से बड़ी है, 13 से छोटी कोई संख्या नहीं है, इतना दिया है, यही है हर संख्या 13 से बड़ी, मतलब दोनों जो संख्याएं 13 से बड़ी, मतलब ये है एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, संख्याएं बतानी है, सेम क्वेश्चन है ना। हाँ, तो अगर एचसीएफ पता है, तो अभी हमने आपको बताया था अगर हमें एचसीएफ पता होता है तो नंबर हम निकाल सकते हैं। नंबर वन, पहला नंबर क्या होगा, 13 एचसीएफ दिया था 13 a, दूसरा नंबर क्या होगा 13 एचसीएफ दिया 13 b, हो गया, यहां तक समझ में आ गया ना। अब कह रहा है इसका एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम निकालो, हमने कहा था दोनों में जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, दोनों में कॉमन 13 है और जो कॉमन नहीं है वो लिख लेंगे ए बी 13 ए बी, ये इसका एलसीएम होगा। क्वेश्चन में कहा है 273, दोनों की बात को इक्वल कर लेंगे, ए बी यहां से वैल्यू निकालेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 × 2 = 26 और 13 × 13 ए बी की वैल्यू आ गई 21। यहाँ पे अभी तक ए बी की दो वैल्यू बनी थी पीछे ना, ए प्लस बी बराबर 9, ए बी बराबर 20, यहाँ पे तो ए बी क्या है सिर्फ 21 है, तो हम ए को सपोज कर लेते हैं, ए है 1 और बी कितना है 21, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ना ऐसा कभी, हो सकता है ए 1 हो और बी 21, या हो सकता है ए 21 हो बी 1 हो, यानी कि ये आपस में हो सकते हैं ऐसा नंबर, एक और 21 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, हो सकता है ये 3 हो ए और ये हो 7, यानी कि 3 7 21, तब भी तो हो सकता है, हो सकते ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती ना, हो सकता है ये 7 हो ये 3 ये 7 ये 7 ये 3, ऐसा हो सकता है ना, इन्हीं दो नंबर्स की पॉसिबिलिटी बन सकती है।
बन सकती है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि हर नंबर 13 से बड़ा है, इस चीज का यूज देखना है। तो पहला नंबर अगर ए की वैल्यू हम एक मान ले, हम मान ले कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती नीचे वाली, ऊपर वाली से पॉसिबिलिटी है कि ए की वैल्यू एक और बी की वैल्यू 21। अगर ए की वैल्यू एक, तो ए की वैल्यू अगर यहां पे रखें तो 13 × 1 मतलब 13 बन जाए 13, तो एक नंबर आ गया 13। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि एक नंबर 13 से बड़ा है, हर नंबर 13 से बड़ा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता, कभी भी एक तो नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। इस पॉसिबिलिटी पे आते हैं, तो ये ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 3 यहां पे रखेंगे अगर, तो 13 × 3 मतलब 39, 39, और अगर 7 रखेंगे तो 13 × 7 13 × 7 = 91। समझ में आ रहा ना दोनों? आया? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, पहली क्लास थी, ठीक है, ये पहली क्लास थी ग्रुप डी की। यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं, क्लास 1, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फर्स्ट क्लास थी ये। मैंने एससीएफ एलसीएम आज से शुरू किया है और शायद 4 क्लास या 5 क्लास चलेगा, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारे बता देंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।